दो तीन मिलेंगे। मैंने गाली उठाया लेगा, हाँ वहाँ से दिख रहा दोस्तों बैठक है वहाँ से डाले जाएंगे। वहाँ मेरे बहुत ठीक करा था उनके पास पेड़ से कम चार पाँच पेड़ लेंगे। गेल गाला होगा, रेडम गाला, गेल गाला, जेरोमाइन, स्कारलेट सपर टू, किंग रॉड, ये होंगे। सिद्धांत जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। सिद्धांत जी का एक तो फील होता है। आकाश पानी जरा गर्म हो रहा है, तो फील होता है। फील को होगा यार अच्छा तो वो नीचे नाम मत दे दे, वो फोन ला दे मेरे। वो रहते गाजियाबाद में, मैं गाजियाबाद रहता हूं। तो करे वो घर के में क्या है, खेत में मिल गया गर्म पानी है ना, और डिस्पोजल भी अंदर पड़े होंगे। और आज हम पोखरा में गए हैं, यहाँ ये लोग पहले दिल्ली में शटल थे, और आज अगर उत्तराखंड का विकास होना है तो हमको टूरिज्म और बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी उत्तराखंड का विकास होगा और हमें तहत पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आज हम यहाँ गए पौड़ी गढ़वाल में पोखरा ब्लॉक बिना गांव, वहाँ ये लोग पहले दिल्ली में रहते थे, अब ये बागवानी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में यहाँ बहुत ही बड़ा बगीचा तैयार होगा और इसमें सोलर फेंसिंग, बंदरों के लोग कहते हैं कि बंदर खा जाएंगे, सूअर खा जाएंगे, लेकिन हम लोगों की ये मान्यता गलत है। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही है, 50% सब्सिडी दे रही है, और अपील मिशन के तहत 12 लाख का प्रोजेक्ट है, 2 लाख आपको देने पड़ेंगे, 10 लाख गवर्नमेंट, उसमें सोलर फेंसिंग, पेड़, ड्रिप सिस्टम, इरिगेशन और ट्रैली सिस्टम सभी देंगे। तो मैं आज भले ही मैं गांव दिल्ली रहता हूँ, हर महीने गांव जाता हूँ, और मुझे पता है गाँव में अगर उत्तराखंड का विकास करना है हम लोगों को, तो हमें उत्तराखंड के धरातल पर आना पड़ेगा और काम करने पड़ेगा। औषधि प्लान लगाने पड़ेंगे, चिरौंजी, करौंजी और हरड़, आंवला, बहड़ा और शतावर, अश्वगंधा, ये औषधि प्लान लगाने पड़ेंगे। और उत्तराखंड की भूमि ऑर्गेनिक भूमि है। ये चाय पांच चाय वगैरह पी लेते हैं, तो उसके बाद निकल लेंगे बगीचे से। पहले बगीचे एक सोलर फेंसिंग क्या नहीं हो सकता है, कहते बंदर है, भालू है, सोलर फेंसिंग लगा रखे हैं, बंदर कहाँ से आएंगे? पूरा इंजाम है एक अपील के तहत। दो जनवरी 2021 नए साल के नए दिन दूसरे दिन में हम आज सेब के बगीचे पोखरा है, यहाँ पर जो ब्लॉक है पोखरा बैंड आता है, और गांव सामने गांव है बीड़ा गांव में पहुँचे हैं, और यहाँ DHO साहब, दूरदर्शन की टीम देहरादून से आई हुई है, तो उनको भी दिखाएंगे आपको, और यहाँ सोलर फेंसिंग के द्वारा बगीचे तैयारी की जा रही है। आगे ले चलते हैं आगे। इस साइड पे डाल दिया क्योंकि इस साल काम हो चुका है ना, इस साल यहाँ तो बारिश हो जाए तो तब हो पाएगी, ना तो बहुत सख्त हो रही थी, यहाँ तो हमने पानी डाला था, तो पानी डाल के नमी की थी थोड़ा सा, तब जाके काम हो पाए। अगर वो चाहेंगे ना रोहन, तो 7 तारीख को ना सीली चले जाएंगे। हाँ, सीली में ना वो आ रहे हैं ना,
क्या कहते हैं बिष्ट ना, विक्रम रावत। अच्छा, तो वहाँ पे एक दिन का है मंगल सिंह वगैरह की। हाँ, अभी ये पेड़ों के लिए मंगल सिंह वहाँ सिली वाले जमड़िया में वहाँ से मेरा गाँव 20 किलोमीटर है, वहाँ से 20 किलोमीटर गाँव हमारा। काटी छाटी हो जाए तब बस फल में लालच मत कीजिएगा, चाहे कोई लाख सलाह दे दे। नहीं क्यों नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, ये पेड़ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं भी ये सोचता हूं, क्यों ये ग्राफ्टेड है, पेड़ टूट जाएगा, पेड़ टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नहीं, वो कमजोरी हो जाएगी, उसमें था कि पहले पेड़ जो है कमजोर होना चाहिए। रेड कान है, सीधा है, रेड कान है। इसमें रेडम काला भी है, रेड कान भी है, जर्मन भी है, गेल काला भी है, किंग लॉर्ड भी होगा। ऊंचाई है 1500 मीटर। हाँ, ये टहनी तो वहीं से 500 से भी नापन ने 1500। लेकिन इतना एक साइड इतनी सुंदर है कि इसमें आजकल इतना ठंडा है, पाला इतना जमता है पानी में। ये जो टहनी वहीं से आए होंगे? नहीं, हमने करीब रही होंगी इतनी, फेदर बनाई नहीं हमने, फेदर वहीं से। हाँ, ये हाँ, इसकी प्रूनिंग जो है इसी बार होनी है। ये अप्रैल में लगा ना, पहले कुछ नहीं किया। हाँ, फेदर यहीं से बनवाए हैं, मार्च में हाँ बना के दिए ना। जितने जितने फैदर आते हैं वो उतने महंगे पैसे हैं। अगर 12 फैदर है तो 800 का है, 5 फैदर तो 500 का है, ऐसे रेट इसमें फैदर पर। हाँ, कुछ पौधे अपने आप पिछले साल बनाए थे, सीडलिंग के नहीं, कुछ पौधे पानी और भी है, पानी भी सहन कर लेगा, सुखो सहन कर 26 में लगो, M9 में लगना, M9 के पानी चाहिए बहुत, सहारा बहुत चाहिए। M9 111 106 अगर पानी नहीं है तो 111 लगा दो, अगर पानी है तो 100 तो वर्ल्ड में 90% M9 लगा रखा है, जहाँ पानी की व्यवस्था है तो वहाँ पानी की व्यवस्था है। हाँ, हमारा गढ़वाल रेनफील्ड यहाँ नहीं है, यहाँ पानी यहाँ 111 106 चलेगा, 111 ज्यादा बढ़िया है। हाँ, मिडिल ऊपर है, क्योंकि वो सिडली का जो पौधा होता है उसके मुकाबला करता है, रूट उसकी थोड़ी डीप जाती है, गहरी जाती है उसके। M9 तो उसकी छोटा है, M9 के लिए तो बिना सहारा के बिना पानी के खत्म। क्या हुआ, पेमेंट आ गया? नहीं, चौधरी साहब ने लगा करके ना, मल्सिंग सीट कैसे बीच में ऐसे कटाओगे, इधर आधा पानी, तीन सैंपल रखेंगे, पता नहीं जैसे कहेंगे नहीं, बीच मल्सिंग सीट जो है ये कैसे आधा उधर आधा इधर, सैंपल तीनों है, पिछले साल हमने इतनी जगह छोड़ दी थी, डाउट नहीं है, डाउट होता तो मैं ये सब काम करता हूँ। अब हमसे हम कहते हैं किसान को कितना जल्दी रफ्तार पकड़े, यहाँ कोई डाउट नहीं, आ गया मल्चिंग सीट, आप जैसे सुविधा उसे बिछाओ, ऐसा कुछ नहीं, ये आपका आ गया, ये आप बकल आपको खुद लगाओगे, मुझे क्या करने, बकल खुद लगाओगे। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब भी है कि टेलिस लग गया, टेलिस आपका आपका है। हाँ, नहीं समय इस बार जितनी गवर्नमेंट ने जितनी सुविधा दी है ना, हमने तो सोचा भी नहीं था इतनी बढ़िया सुविधा सुनने लिए। जितना सब्सिडी उत्तराखंड गवर्नमेंट दे रही ना, हाँ। तो कौन दे रही है? इतना कहीं दे रहे हो, मैं गया था हिमाचल, हिमाचल में कहे जितना गवर्नमेंट को इनको ये परमिशन 12 लाख दिया है। हाँ। 15 लाख का प्रोजेक्ट था, 12 लाख दिया है। और इसमें ऐसा है, वो भी हट करके मात्र 20 नाली तक ही मिलना था, लेकिन 5 नाली हट के इनको दे दिया। इसमें हमारा कम से कम 12 लाख रुपया अपना लग चुका है, लग गया होगा, लग गया, कहीं भी किसी क्षेत्र में बाहर काम करना इतना दिक्कत है, हर चीज के लिए चंडीगढ़ दौड़ो, कहाँ से बात, दिल्ली जा, दिल्ली से सामान लाओ, अफरा नहीं तो मतलब इसमें। हाँ, एक जगह अगर काम करते ज़्यादा काश्तकार करते ना, वहाँ पे सामान भी मिल जाता है, कोई नॉलेज के हिसाब से विभाग ने कुछ नहीं दिया, नॉलेज के हिसाब से विभाग से कुछ नहीं मिला। उद्यान विभाग मैंने ये देखा इसमें तुम 30 पे भले कम लेना, लेकिन एनटीएन जरूर लगाना, क्योंकि जब ओला कभी पड़ता है वो तो पक्का लगेगा, पक्का लगेगा, जब लग जाती है तो नुकसान करता है। यहाँ तो इस बेल्ट पे ओला बहुत गिरता है। अच्छा, हाँ, इस बेल्ट पे ओला बहुत गिरता है, तो ओला का क्या इलाज करें फिर? अब नहीं, एनटीएन सेटिंग हो जाएगी।
ये पोखरा तो मैंने सुना था आपका, आपका बगीचे का नाम सुना था मैंने। बगीचा ऐसा था, बीच में मैंने छोड़ दिया था। वो तो सरकार ने एक ऐसी योजना दे दी कि इससे एक मतलब उमंग पैदा होगी ना, नहीं तो मैंने छोड़ दिया था ये काम। वो तो मेरे लड़के कहने लगे ऐसा है कि आप घर नहीं बैठ पाओगे, नहीं तो जब बंदर होने लंगूरों ने सब्जी तक नहीं खाने दी तो बगीचा कहाँ छोड़ेंगे। एक समय था मैं 10 क्विंटल तक अंगूर बेचता था मैं, है कि नहीं। हाँ अंगूर भी बेचते, मैंने 10 क्विंटल तक बेचता था हर साल। यही है चटनी के लिए अंगूर हमारे पास नहीं है। बंदर अंगूर जो है बिल्कुल छोड़ेंगे। ये सब ऐसा है, अब आप कहेंगे व्यवस्थित नहीं है ना, इसमें ऐसा है बारिश होने के बाद वहाँ नहीं, वहाँ नहीं लगता है ना, लेकिन वहाँ मल्चिंग होगी, ये पूरा सामान वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर जो दीवार में पेंट लगता है व्हाइट वाला ना, इसका क्या असर होता है? लेकिन आम वगैरह पे लीची जाए तर चूना, जिनका छिलका बहुत मोटा है उनको जरूरत नहीं पड़ती इसकी, कॉपर सल्फेट मिला करके लगाते हैं। इसमें सेव में वो ज्यादा सफल है, पेंट में तो चूना ही मिलाते हैं, में लगाते हैं अक्टूबर का महीना होता लगाते हैं। आगे ऊपर को चलते हैं, इधर से आगे से हो जानी चाहिए लेकिन हुई नहीं, ठंडा हो ही नहीं रहा। छानवे का जो रेट था उसमें सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी कब मिलती है जब आएगा तो एनटीएल पे हमारे यहाँ 75% छूट जी, और उनके यहाँ बिल्कुल नहीं, जीरो है। नहीं तो यहाँ तो भावे सर तभी होता है, तो यहाँ तो एक सोए हुए को जगाने वाली बात है ना, है कि नहीं। वो लोग जाग चुके हैं, वो तो मतलब अगर ना भी सब्सिडी मिले तो तब भी करेंगे वो तो। पानी नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी रोनाती है ना, की अब लगा लिया अगस्त से कुछ नहीं हुआ, कल जो पौधा निकाला था परसों कहाँ रखा था आपने, रखा हुआ लेकिन ऊपर उसमें वो बीमार वाला ऐसा काट दिया था मैंने कहा एक बहुत साल पहले मिले था वो गुण बांध लिखा है मिले थे, शिमला मिर्च टमाटर और बैंगन ले आया ये खोटे में था सप्लाई कर मुझसे भी बात होता लंबा लंबा पेड़ कर दिया रोड बोरा रोड उस पे नीचे से पत्ता मुड़ जाते नहीं मैंने है अपने आपने कोई हेलो स्प्रे तो नहीं किया था हार्ड ना नहीं, नहीं। कहीं ज्यादा पाले का असर तो नहीं होता ये ना पाले का नहीं पाला तो झड़ जाता हूँ आप मेरी बात मानोगे जी यूरिया का स्प्रे करो ठीक है अच्छा आलू लगा के ठीक हाँ ये पाला से अटका ना मारने दिल्ली 7 मीटर था पानी जी करने वाला लोग करें देख के विभाग में आज हमारे भी है
एक आदमी कहाँ दौड़े वो तो हमने नकदी फसल इसमें जो है ये पॉली हाउस लगा है ना 100 किलोमीटर का थोड़ा सा दूर नदी के बाहर भी है तो साल भर में वो 2.5 लाख रुपए कमाते आराम से। वो टमाटर हिम सोने लगा बाबा भाई हिम सोने लगा भाई अविनाश का अविनाश कई होते कई वैरायटी है। अच्छा ये दोनों भरा आम मॉल नहीं अगर रक्षा का बेंगलुरु का हटिया से निकाल लगा ये पौधा कल उस 3 महीने से वो है इसमें जंप ना हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं हमें देहरादून जाने की जरूरत नहीं। टमाटर के ले रहा है 32,000 रुपए केजी टमाटर का है वही आपका जैसे आप सबसे सुपर सीट करती है वो हिम सोना। हिम सोना अब वो आपका 100 वर्ग मीटर पाली हाउस के अंदर हमारे 350-300 पौधे लगते हैं। अब 350-300 पौधे में आपके साइड में अब क्योंकि हम यदि टमाटर करते हैं तो मार्केट में जहाँ ले जाएंगे टमाटर कहाँ ले जाएंगे। एक क्रेट हमारे जैसे टमाटर चला गया और 7 दिन हमारा जो है 5-10 किलो जो है खीरा भी शिमला चला वो डाला आपसे ले लेगा ठीक है। 56 कद्दू लगा दिया अब वही तो 56 कद्दू भी है मगर वो चीज होनी चाहिए। अब जैसे अब आपने देखा होगा अगस्त एंड होता है और टमाटर चरम सीमा पे चला जाता है। यदि कहा 300 पौधे बैठ जाना तो मिठाई निश्चित है की कुछ रुक ला पंडित कैसे लगा आज आपका? अरे सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब जन्नत में है आज। हाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ तो आप हमारे साथ जुड़ के आपको भी अंदर जगह की मैं भी लगाता हूँ। मेरे को अंदर को जुनून जाग चुका है पेड़ लगाने का। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि मैं जब भी हर बार गाँव जाऊँगा तो स्टार्टिंग में 500 का पेड़ तो मुझे ले जाना है जैसे कि आपके सामने बुक करा के हम आ गए तो जरूर जाएंगे। मैं तो सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखो सुनियो और सीखो और हो सकता है तो आप बागवानी का काम करें अपने गांव में ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत करके उज्जत करें स्वरोजगार बनाए। और जो ये फैसिलिटी हमको हम आपको जो दिखा रहे हैं इसमें गवर्नमेंट पूरा आपको जो है सहयोग कर रही है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके गांव में भी ऐसे ही पेड़ लग सकते हैं ऐसे ही बैरिकेडिंग भी लग सकती है लेकिन मन करने का जुनून मन में होना चाहिए। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि देखिए समझे जो करना चाहते हैं अपने गांव के ब्लॉक प्रमुख। आज मैं अपने गांव ना जाके यहाँ आया हूँ मैं तो खैर हम ब्लॉगिंग करने के ना वो यहाँ पता है हम कहाँ आए हैं उत्तराखंड के चौबटिया खाल पौड़ी में डिस्ट्रिक्ट में पोखरा ब्लॉक में जो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। अभी आपको आगे का नज़ारा और दिखाएंगे आपको जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे भी हमने पूछना है। और दूसरी टीम आ रखी है ये स्कीम कैसे मिलती है क्या मिलती है ये हम उनसे जानेंगे अभी वो बताएंगे उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे। देखो जो ये कर रहे हैं गांव में कुछ